नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज मैं जिन किसान भाई के पास पहुंचा हूं, इनके पास में मैसी फर्गूसन 7250 DI पावर पंच है। तो आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में किसान भाई से जान लेते हैं कि किस कीमत के अंदर इन्होंने ख़रीदा, किस किस इम्प्लीमेंट के ऊपर चलाया और क्या कुछ फीचर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, सारी कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सामने से आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार आप अपना परिचय कराइए। मेरा नाम भास्कर शर्मा, गांव गिरधरपुर नवादा, जिला बुलंद शहर UP। तो भास्कर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये ट्रैक्टर आपने कब खरीदा? ये सर मैंने ट्रैक्टर सन 2013 में खरीदा। जी, इसके पहले भी अपने पास कोई ऐसा ट्रैक्टर हुआ करता था या पहला आपने ही खरीदा? ये मेरे पास जी पहले जॉन डीयर 5310 था। अच्छा। उससे पहले भी बहुत मैसी ट्रैक्टर रह चुके हैं जी। तो उसके बाद आपने ये खरीदा जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, इसके पहले आपके पास जॉन डीयर का 5310 जी, तो वो आपने नया ही खरीदा था? हाँ जी, हाँ जी, वो नया खरीदा। वो कौन सा मॉडल था जी? वो 7 था, 2007 में जी। तो उसके बाद में जैसे कि आपने जॉन डीयर चलाया, जॉन डीयर के बाद में आप जॉन डीयर के अंदर क्यों नहीं गए, आपने मैसी का विचार क्यों बनाया? ऐसा था, पहले हमारा काम था वो भार था, भाड़े खोरी का था जी। तो वो जॉन डीयर परफेक्ट ट्रैक्टर था भाड़े के लिए जी। अभी मैसी अपने अपने घरेलू काम के लिए ये ठीक लगा। अच्छा, जैसे कि आप हैवी काम करते थे या भाड़े का, किराया भाड़े का काम करते थे, तब आपके पास में जॉन डीयर था जी, जी। जब आपका विचार बना कि हमें भाड़े का काम नहीं करना, घर घर का केवल काम करना है, तो आपने तब मैसी की तरफ जाने का विचार बनाया जी। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसके अंदर, ये साइड शिफ्ट गियरबॉक्स ट्रैक्टर है आपका जी। तो इसके अंदर सिंपल मॉडल आता है, आपका विचार साइड शिफ्ट में जाने का क्यों बना? साइड शिफ्ट ये जॉन डीयर की वजह से आदत पड़ी हुई थी, जॉन डीयर में साइड शिफ्ट गियर थे और इसी द्वारा। अच्छा, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के यहाँ पर आप एक चीज और बताइए, जैसे कि साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है और सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है जी, तो क्या कुछ अंतर लगता है साइड शिफ्ट के अंदर? क्योंकि बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि हमें सेंटर गियर ही पसंद है या सेंटर गियर ज्यादा कामयाब है, तो उनका थोड़ा सा मिथ आप दूर करने की कोशिश यहाँ पर करें। जी, अब पसंद तो अपनी अपनी है जी, मगर साइड गियर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा गियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि ये तसल्ली से किसान भाई चला सकता है, बार बार झुकना नहीं झुकना नहीं पड़ेगा, साइड में हाथ पहुंचते नहीं, गियर पहुंचेगा, उतरने और चढ़ने में दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, और प्लेटफॉर्म काफी अच्छा बन जाता है जी, फ्लैट एक तरीके से फ्लैट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा इसके हॉर्स पावर के बारे में भी हमारे किसान भाई को बताइए, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? ये 46 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। 46 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। अच्छा, इसको आपने अब तक किस किस कृषि यंत्र के ऊपर चलाकर देखा है? ये रूटावेटर पे चलाया है, कल्टीवेटर पे चलाया है जी, और ये अनाज निकालने वाली मशीन होती है, गेहूं निकालने वाली जी, थ्रेसर उस पर चलाया है जी। थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताइए, जो आप रोटावेटर बता रहे हैं, कितने फीट का आपने रोटावेटर चलाया? रोटावेटर इस पे 7 फीट का चलाते हैं। और रोटावेटर के ऊपर डीजल खपत कैसी रहती है? ये लगभग अगर मैं एक अंदाजा लूँ आपसे, घंटे के हिसाब से या फिर बीघे के हिसाब से, तो क्या कुछ? ये 4-5 लीटर ही घंटे का खाता और 4-5 बीघे की ही बीघे की घंटे में जुताई निकालता है, यानी कि बीघा लीटर खाद लेता है। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं थ्रेसर के ऊपर भी आपने इसको चलाया है जी, जी। तो थ्रेसर के ऊपर डीजल खपत कैसी रहती है और थ्रेसर के ऊपर कोई घुटने वाली शिकायत महसूस तो नहीं होती? नहीं, घुटने वाली तो कोई नहीं है, ये फिर भी मगर तूड़ा के ऊपर है, तूड़ा नरम आ जाए तो ट्रैक्टर दबता जी, वहाँ पर RPM ट्रैक्टर तोड़ देता है। हाँ, ये तूरे के ऊपर बात होती जी। जैसे कि आप इससे बता रहे हैं, इससे पहले जॉन डीयर चला रहे थे, उसको भी आप थ्रेसर पर चलाते थे? हाँ जी, हाँ जी, थ्रेसर पर चलाया। तो उसमें और इसमें अंतर क्या कुछ लगा आपको? नहीं, जैसे कि HP का तो अंतर आएगा ही, हाँ, आएगा 10 HP का अंतर सीधा सीधा है। हाँ, हाँ। फिर भी उसके बाद में आपको अंतर, आपके हिसाब से क्या कुछ अंतर लगा ट्रैक्टर के अंदर? नहीं नहीं, अंतर तो काफी कुछ नहीं है, मगर ठीक है, जॉन डीयर अपनी जगह है, मैसी अपनी जगह है जी। हाँ, RPM उसने भी कभी नहीं तोड़े, इसने भी ज्यादा नहीं तोड़े जी। कहीं ना कहीं जो HP का अंतर है वो अंतर है। हाँ, जी। इसका भी थोड़ा सा आप कीमत का अंदाजा हमारे किसान भाई वो कराइए, किस कीमत के अंदर आपने ऑन रोड? ये सन 2013 में ये 5.5 लाख रुपए का खरीदा था। 5.5 लाख का आपने ऑन रोड इसको ऑन रोड खरीदा था। जी जी। अच्छा, जैसे कि आप जॉन डीयर भी आपने चलाया, अब आप मैसी चला रहे हैं जी, दोनों के अंदर आपको अंतर क्या कुछ लगा? जैसे कि मैं देख रहा हूँ पैडल इसके अंदर भी सस्पेंडेड टाइप है, आप ये चीज एक निष्पक्ष तौर पर बताइए, अंतर क्या कुछ लगा दोनों के अंदर आपको? अंतर कंफर्ट के मामले में, जैसे कि कंफर्ट तो जॉन डीयर में भी काफी था, प्रेशर स्टीयरिंग था जॉन डीयर में, इसमें सादा जी, और कंफर्ट तो जॉन डीयर में भी काफी था, प्रेशर के ब्रेक थे उसमें, इसमें प्रेशर के नहीं है, इसमें ऑयल वाले ब्रेक हैं जी, यानी कि वो तब का मॉडल भी इससे ज्यादा फीचर के साथ था जी जी, हर चीज में ऑटोमेटिक क्लिच थी उसकी, PTO वाली जी, अलग से क्लच रखी थी, अलग थी जी, इसका सिंगल ही क्लच, इसका सिंगल ही क्लच है जी जी जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा जैसे कि आप ज़्यादा HP से कम HP के ऊपर गए तो डाउनग्रेड हुआ, ऐसा नहीं लगा कि ट्रैक्टर हमने गलत ले लिया या कम HP का ले लिया? नहीं नहीं नहीं, अपने घरेलू काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, मगर भाड़े के मतलब का तो जॉन डीयर
भाई बढ़िया है। अच्छा, किराए भाड़े के ऊपर आप इसको भी चलाते हैं? नहीं, किराए भाड़े पे चलाया था शुरू में, अब नहीं चलाते, काफी दिन हो गए। हाँ। घर के काम घर के काम जी। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे एक अनुभव जानने की कोशिश करूं, तो पूरी तरीके से आप फिलहाल में अगर घर के हिसाब से बात हम करें तो संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट, मैं सिफारदूसन से पूरा संतुष्ट जी। अच्छा, जैसे कि ट्रैक्टर हम चलाते हैं, लंबा समय हमें हो जाता है, तो हमें ट्रैक्टर की खूबियों के साथ साथ में कुछ कमियाँ भी नज़र आती हैं। तो आपको कुछ कमी इसके अंदर ऐसी नज़र आई हो जो हमारे किसान भाइयों को आप बताएं? इसमें पहले जो कंपनी से आया था, इसमें रोटर पंप आया था जी, तो उसमें पंप में कई बार दिक्कत आई, कई बार मिस्त्रियों के साथ ठीक करवाया। अच्छा, थोड़ा जैसे आप दिक्कत यहाँ पर बता रहे हैं, दिक्कत थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए उसको, क्या दिक्कत लगी? दिक्कत उसमें ये थी कि आपके तेल में थोड़ा घना भी कचरा पहुँच गया जी। भाई, किसान आदमी पहुँच ही जाता है किसी न किसी कारण, डीजल टैंक, जैसे कि डीजल अगर टैंक में ला रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत पहुँच ही जाता है, तो कचरे के कारण रोटर पंप पूरा ही पूरा बनता था, ब्लॉक हो जाता था। उस कारण हमने दो बार ठीक करवाया, फिर तीसरी बार में हमने ये माइक्रो का खड़ा पंप पंप चेंज करा। लगभग इसके अंदर क्या कुछ खड़पच लगी आपको, क्या खर्चा आया लगभग इसके अंदर? इसका ये सगला एक्सचेंज होने के बाद ये लगभग 25,000 रुपये का इसके अंदर गरारी बदली गई जी, ट्रैक्टर के अंदर ही जी, और ये सगला 25,000 रुपये में टोटल खर्चा आपका 25,000 का आया। वो भी कंपनी ने, कंपनी से पंप माइक्रो से माइक्रोबॉस से गारंटी का बिल सहित बुलंदशहर से खरीदा। जैसे कि आप बता रहे हैं 50 HP के ट्रैक्टर का पंप है, ये जो पंप है पंप, तो जैसे आप बता रहे हैं आपने पंप चेंज कराया, तो कंपनी ने जो रोटरी पंप है वो कंपनी के पास? नहीं नहीं, वो कंपनी ने नहीं लिया, वो हमें दे दिया, वापसी आप अभी हाँ, के पास है। हाँ, जी। अच्छा, जैसे आपने डीजल पंप दोनों इसके अंदर चेंज कराया जी, पहले भी आपने चलाया बाद में भी आप चला रहे हैं, तो डीजल खपत में क्या कुछ अंतर लगा? हाँ, डीजल खपत रोटर पंप की कम थी, पंप थी उसकी डीजल खपत जी, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, मगर ताकत भी ज़्यादा लगाता है। डीजल खपत तो ज़्यादा है, हाँ, मगर ताकत भी ये ज़्यादा लगा। हाँ। कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर यही दिक्कत नज़र आई कि वो चौक हो जाता था। हाँ, बस और कोई कमी नहीं थी, वो चौक होने की सबसे ज़्यादा कमी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिलहाल में जैसे कि आपने इसके अंदर ये पंप चेंज कराया, रोटरी पंप से आप इनलाइन पंप के ऊपर गए, तो आपको मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि हमने पंप गलत चेंज करा? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नजर? देखो, किसान आदमी का धूल धप्पड़ काम होता है जी, उसको यही पंप लेना चाहिए, खड़ा पंप, सादा पंप है, यही पंप लेना चाहिए, रोटर पंप नहीं लेना चाहिए। रोटर पंप अगर किसान भाई ले रहा है तो उसका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा आता है, वो नहीं केयर हो पाती, वो केयर किसान किसान पे नहीं कर पाएगा जी। और कुछ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कोई छोटी सी भी कमी ऐसी नज़र आई हो कि आप ट्रैक्टर खेर में चला रहे हो, आपके अंदर ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी या बड़ी कोई फॉल्ट हुआ हो, कोई ऐसी दिक्कत नज़र आई हो आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई विशेष कमी, 8-9 साल हो गई है ट्रैक्टर को, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, कहीं से कोई लीकेज की दिक्कत नहीं? नहीं, कोई लीकेज वीकेज की कोई आज तक दिक्कत नहीं आई है ट्रैक्टर में जी जी जी। अच्छा, जैसे कि मैं लिफ्ट की थोड़ी सी बात कर लूँ, लिफ्ट जैसे कि मैसी की जानी जाती है कि लिफ्ट के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं किसान भाई इसको, तो आपने कल्टीवेटर के ऊपर चलाकर इसको देखा होगा, लिफ्ट की सेंसिंग किस तरीके से काम करती है इसकी? लिफ्ट की सेंसिंग बहुत गजब है इसकी, जहाँ पर आप कर दोगे वहीं पर ही चलेगा ट्रैक्टर, लोड नहीं मानेगा, बार बार ये नहीं है कि लीवर चेंज करना है, लीवर पर हाथ रखना है, उठाना है, नहीं, अपने हिसाब से खूब कंट्रोल करता है, सेंसिंग बहुत गजब है। कितने फाली का कल्टीवेटर चलाते हैं? 9 फाली का कल्टीवेटर में 9 फाली का चला रहे हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, जैसे कि आप इससे पहले जॉन डियर चला रहे थे जी, और जॉन डियर की अगर मैं इससे तुलना करूं HP के अंदर, नहीं लिफ्ट की सेंसिंग के अंदर, हाँ जी, तो लिफ्ट की सेंसिंग कैसी थी जॉन डियर? जॉन डियर की लिफ्ट की सेंसिंग भी बहुत गजब थी, नई कंपनी थी, बहुत गजब थी, जॉन डियर की भी बहुत ही बढ़िया सेंसिंग थी जॉन डियर। ये नहीं है कि बार बार उसके अंदर लिफ्ट चेंज, बिल्कुल मैची कॉपी है, सेम जॉन डियर की। कहीं ना कहीं जो मिथ है किसान भाइयों को कि मैसी के अंदर ही बेस्ट है, नहीं गलत है, गलत है, जॉन डियर के अंदर ही बहुत गजब है। तो भाइयों, हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, आपको ट्रैक्टर के बारे में ओवरऑल इन्होंने जानकारी दी, किस कीमत के अंदर खरीदा, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चला रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर से आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है ना भाइयों, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे भाइयों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।